सो फाइनली केदार बाबा की डोली में हम लोग शामिल हो चुके हैं। कुछ लोग बहुत शरारती होते हैं, परेशान करते हैं गाड़ी रुकवा के। तो बाबा जी की डोली निकलती है कपाट खोलने से 5 दिन पहले। पहली बात तो फुल पेंट कराई हुई है भगवा कलर से। यात्रा है यूट्यूबरों की यात्रा है। हेलो गाइस एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के दिन की शुरुआत हो रही है इस खूबसूरत से व्यू के साथ। कल रात हम लोग पहुंच गए थे फाटा और हमारे रूम की हालत चेक करो, ये देखो सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। कल रात यहाँ आने के बाद इतनी ज्यादा थकान हो गई थी ना, सीधा भाई सो गए। केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं 10 तारीख को और मैं घर से निकला था 3 तारीख को। तो आप में से काफी सारे लोग कमेंट आ रहे थे कि भैया इतनी जल्दी कैसे निकल गए, कपाट 10 तारीख को खुलने वाले हैं, इतनी पहले से कहाँ जा रहे हो। तो हमारा प्लान था इस बार आपको थोड़ा सा अलग वे में केदारनाथ जी के दर्शन कराने का। केदारनाथ जी के दर्शन तो आपको कराएंगे, उससे पहले जो केदार बाबा की डोली निकलती है उसको भी दिखाएंगे कि डोली कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है। तो बाबा जी की डोली निकलती है कपाट खोलने से 5 दिन पहले, आज 6 तारीख है। आज डोली निकलेगी ऊखी मठ मंदिर से। तो अभी मैं यहाँ रुकाऊँ फाटा, यहाँ से हम लोग पीछे जाएंगे करीब 10 किलोमीटर पीछे। तो वहाँ से धूमधाम से पूजा होती है और वहाँ से फिर डोली निकलती है। तो वो सारा कुछ प्रोसेस दिखाएंगे, इसलिए मैं इतनी जल्दी निकला हुआ हूँ। और डोली यहाँ से आज चलना शुरू होगी और 10 तारीख को ऊपर केदार बाबा के मंदिर पहुँचेगी। रूम को करते हैं बंद और नीचे चलते हैं चाय पीने के लिए। मोहित भाई ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं, मेरे को वीडियो शूट करना था तो मैं ऊपर रुक गया था। तो ये अपनी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है। हमें लग रहा था ऊखी मठ गुप्तकाशी के पास ही होगा, लेकिन अभी डिस्टेंस चेक करी तो 15 किलोमीटर तक आ रहा है और अभी हम गुप्तकाशी से भी 10 किलोमीटर आ गए, तो करीब 25 किलोमीटर हमें पीछे जाना है। तो भाई रेडी हो गया, अब निकल रहे हैं ऊखी मठ। मोहित भाई की बाइक हमने होटल में छोड़ दी है, उन्होंने स्कूटी से आ रहे क्योंकि वहाँ भी हमें पार्क करके थोड़ा पैदल यात्रा करके नीचे जाना पड़ेगा मंदिर की ओर, फिर वहाँ से हम लोग लौट के आएंगे। तो कुछ सामान वगैरह भी साथ में लेके नहीं जा रहे, मैंने एक छोटा सा बैग कैरी किया हुआ है साथ में। और भाई पैदल यात्री बहुत दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बाइकर से ज़्यादा पैदल यात्री दिख रहे हैं यहाँ पे। भाई ये जो यात्रा है ना, ये वैसे तो होती है केदारनाथ बाबा की डोली की यात्रा, लेकिन ये यात्रा है यूट्यूबरों की यात्रा है। यहाँ पे आपको इतने यूट्यूबर मिलेंगे, हर कोई जो है कौन सा है वो ट्रैवल विदाउट मनी ज़्यादा दिख रहा है भाई, मतलब साइकिल पे या फिर पैदल ट्रैवल विदाउट मनी भारत यात्रा है। यहाँ आपको फटे पिस्टन बहुत मिलेंगे। ये देखो ये जो गाड़ियाँ जा रही है ना, ये सब सामान जा रहा है ऊपर भंडारे, और देखो खच्चर भी जा रहे हैं लोड होके। ये देखो साफ सफाई फुल तैयारी एकदम जोरों शोरों पे है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त काशी और हम लोग जंगल वाले रास्ते से होके जा रहे हैं ऊखी मठ। लेकिन भाई जो डोली यात्रा है ना वो ऊखी मठ से निकल चुकी है, तो डोली हमें रास्ते में मिलेगी। यहाँ तक आवाजें आ रही हैं और डोली भी हमें दिख रही है सामने। ये देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये दिख रही है ना, ये पूरी डोली है भोले बाबा की। तो भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ डोली यात्रा के लिए। ये मेरी पहली केदारनाथ यात्रा है और भोले बाबा ने मौका दिया है उनकी डोली में शामिल होने के लिए, तो इस चीज़ की थोड़ी सी खुशी है। अभी हम लोग शॉर्ट रास्ते से आ रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी डोली के पास पहुंचना है। तो भाई देखो हम लोग वहां से चल के आ रहे हैं ऊपर से, ये देखो ये जो घर बने हुए दिख रहे हैं यहां से आ रहे हैं, और हम लोगों को जाना पता है कहाँ है, वो नीचे यहाँ जाना है हम लोगों को, यहाँ से घूमते 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 घूमते। हर हर महादेव। तो भाई रास्ते में हमें ना देखो एक स्कूल मिला है और यहाँ पे स्कूल के सभी बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे ना डोली के स्वागत के लिए सभी लोग बैठे हुए हैं मालाएं लेके। तो डोली जैसे यहाँ से निकलेगी वैसे ही डोली का स्वागत किया जाएगा यहाँ से। तो फाइनली केदार बाबा की डोली में हम लोग शामिल हो चुके हैं। तो भाई अब अम्मी डोली के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और ये देखो बहुत लंबी डोली है भाई। जय तीन चार बाबा जी की जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, बम 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 महादेव महादेव। भाई कैसी एनर्जी है भोले की यात्रा की, खतरनाक सब भोले की मस्ती में चूर है।
बोले तेरी जय जयकार, बोले तेरी जय जयकार, बोले बोले तेरी जय जयकार। अभी रास्ते में एक जगह पीपल का पेड़ है, यहीं पे डोली की पूजा हो रही है। डोली के साथ साथ अभी पहुंच चुके हैं गुप्त काशी। मैं अभी ऊपर जा रहा हूं मंदिर पे। डोली ना अभी नीचे रुकी हुई है, थोड़ी देर नीचे रुकेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी मंदिर पे। तो मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर को देखो कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ है। अभी अंदर चल के भी दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे जूते चप्पल उतारने हैं और यहाँ पे ये देखो कुंड है। तो ये जो आप कुंड देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो धाराएं बहती हैं। यहाँ से ये जो धारा आ रही है ना, ये गंगा जी हैं और वो है यमुना जी, उसका पानी खा रहा है और इसका पानी है मीठा। ऊपर आते आते ना भाई बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। अभी चलते हैं गंगा जी के पानी से मुंह हाथ धुलते हैं। मोहित भाई तो देखो ऑलरेडी जा चुके हैं। ये देखो भाई पंडित जी गणेश जी को चंदन और फूल चढ़ा रहे हैं। फाइनली भाई डोली मंदिर में एंटर कर चुकी है और देखो सभी लोग स्वागत में खड़े हुए हैं डोली के लिए। ये देखो सामने फूल और चावल फेंक के स्वागत किया जा रहा है सभी का। तो इधर से परिक्रमा लगा के इधर डोली को लाया जाएगा। ये चेक करो भाई, पर सभी लोग फूल और चावल फेंक रहे हैं। फाइनली डोली मंदिर पे पहुंच चुकी है। हर हर महादेव। भाई भीड़ में बहुत ज्यादा हो चुकी है। ऊपर आसमान में देखो ड्रोन ही ड्रोन दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं, इतनी ज्यादा शोर है यहाँ पे। भाई बहुत ही खतरनाक वाला डांस चला, नेक्स्ट लेवल एनर्जी। भाई अपना मंदिर से यहाँ से निकलना है क्योंकि मौसम खराब हो चुका है। ये देखो बारिश शुरू हो चुकी है और ऊपर देखो काले काले बादल हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आंधी भी आई थी। अभी सब लोग यहाँ से जा चुके हैं और डोली पीछे पहुंच चुकी है। अब डोली यहाँ से कल सुबह निकलेगी फाटा के लिए। कल सुबह निकलेगी फाटा, जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना उससे 2 किलोमीटर आगे है। फाटा के बाद फिर कहाँ जाएगी? फाटा के बाद फिर जाएगी गौरीकुंड, गौरीकुंड के बाद सीधे ऊपर केदारनाथ धाम। ऐसा कुछ प्रोग्राम है डोली का। भाई ये देख रहे हो कितने पुराने पुराने टाइम के मकान बने हुए हैं, इधर बिल्कुल नए हैं। सुबह अभी टाइम हो रहा है 7:00, वहां से आने के बाद सीधा रूम में आ गए, फिर लेट गए और एक बार लेटने के बाद फिर नहीं उठा जाता। डांस करते टाइम मेरा पैर किसी के नीचे आ गया था तो उंगली बहुत तेज दब गई थी, तो बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा था। मुझे तो लग रहा था कि उंगली फ्रैक्चर हो गई है, लेकिन ठीक है। अब इस वाले पैर की ये वाली जो उंगली है ना, इस पर बहुत तेज किसी का जूता लगा था। कल यहाँ पे बारिश हो गई थी और बारिश होने के बाद मौसम थोड़ा सा ठंडा गया है। ये देखो हल्का हल्का फॉग भी है, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। और यहाँ इस वाले होटल से यार व्यू एक नंबर मिल रहा है हमें। ये देखो और हम लोग सबसे ऊपर हैं, टॉप फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे हैं। और ये देखो भाई नज़ारे। कल हम लोग यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड यहाँ से लगभग है 50 किलोमीटर। तो कल गौरीकुंड और हो सकता है कल ही हम लोग ऊपर चढ़ाई स्टार्ट कर दें केदार बाबा के धाम के लिए। तो गाइस अभी फिर से मैं जा रहा हूँ लौट के गुप्त काशी। अब क्यों जा रहा हूँ ये भी बताता हूँ आपको। मिलाता हूँ प्रकाश भाई से, ये कल से हमारे साथ हैं। तो अभी तक मैंने इनको ब्लॉग में ले नहीं पाया था। हम लोग इधर उधर चले जा रहे, सुबह भी गए थे पर प्रकाश भाई रुक गए थे नहाने के लिए। तो प्रकाश भाई की बाइक वहीं पे पार्किंग में खड़ी हुई है। अभी मैं और प्रकाश भाई जा रहे हैं प्रकाश भाई की बाइक लेने के लिए। और प्रकाश भाई की बाइक यार बहुत तगड़ी है, बहुत नेक्स्ट लेवल मॉडिफाई करा रखी है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो भाई गुप्त काशी पहुँच गए और पहुँचते पहुँचते ना रात हो गई है। और यहाँ से देखो हमने प्रकाश भाई की बाइक भी उठा ली है और प्रकाश भाई ने देखो बाइक को फुल लोडेड कर रखा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। पहली बात तो फुल पेंट कराई हुई है भगवा कलर से और इन्होंने आरसी पे भी चेंज करा दिया भगवा कलर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखवाया हुआ श्री राम। हमारे प्रकाश भाई श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और भोले बाबा के भी। तो अभी देखो अभी एक एक करके दिखाता हूँ। पहले जो पैनियर्स पे प्रकाश भाई ने लिखवाया हुआ है, महादेव कहते हैं कि लगा भी पीड़ा है अंत ही प्रारंभ है, ठीक है। उधर साइड एक राम जी की बात लिखी हुई है, ठीक है।
उसके अलावा एक झंडा लगवाया हुआ है जय श्री राम का। और ये देखो यहाँ भी फुल लोडिंग है, हैंडल भी चेंज कराया हुआ है, यहाँ फ़ोन होल्डर और ये विंड शील्ड और इधर टॉप बॉक्स, इधर पेनियर्स। ये देखो इसकी बता रहा था, राम जी कहते हैं जो प्राप्त है पर्याप्त है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे। और यहाँ पे देखो फुल इंस्टा 360 का सेटअप अभी निकाल रखा है, तो अभी हम जा रहे हैं वापस से अपने रूम पे। और यहाँ देखो पुलिस वाली लाइट भी लगवा रखी है, ये क्यों लगवा रखी है? ये रात को ट्रैवल करता हूँ ना, थोड़ी सेफ्टी पर्पज से बस। कि कुछ लोग बहुत शरारती होते हैं, परेशान करते हैं गाड़ी रुकवा के। अच्छा अच्छा। इस चक्कर में वैसे जो उठाए गिरे लोग होते हैं ना, वो साइड हो जाता है अपने आप। कि पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो पुलिस कुछ नहीं कहती? पुलिस कहती है, लेकिन मैं उनको बोल देता हूँ साहब मैं तो भगत आदमी हूँ और मैं इसका गलत फायदा तो क्या उठाऊंगा। तो पूरा देख के समझ आते होंगे पुलिस वाले भी की पकड़ लिया था। मैं जब यहाँ आ रहा था तो दिल्ली में मुझे मेरठ एक्सप्रेस वे पे मुझे पुलिस वाले रोका, उन्होंने बोला ये क्या है कि साहब ये सेफ्टी पर्पज से आप लोगों की आप सेवा कर रहे हो और मैं आपकी सेवा ले रहा हूँ बस। सही बात है, सही बात है। तो देखो बाइक ने एकदम तगड़ी करा रखी है, मतलब बिल्कुल ही यूनिक है। और इधर देखो भाई ने लिखवा रखा है रथ, हेडलाइट में भी राम जी का नाम है। अच्छा हाँ देखो फ्रंट फ्रंट लाइट हेडलाइट हेडलाइट। अच्छा हेडलाइट वो तो मैंने देख रखी है, ये देखो हेडलाइट में भी राम जी का नाम है। ये देखो तो गाड़ी पे आपको राम और भोलेनाथ जी ही दिखेंगे। तो अभी चलते हैं वापस से रूम में। अभी हम लोग वैसे अंदर भी गए थे, मार्केट डायरेक्ट घूम के आए, मस्त अभी माहौल बना हुआ है। जब हम लोग सुबह आए थे तब तो थोड़ा भीड़ भाड़ ज्यादा थी, अभी देखो मस्त एकदम नज़ारे हो रखे हैं पहाड़ों में। चले चलो।